हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. वेलकम टू माय चैनल देव स्पोकन क्लासेस एंड माय सेल्फ देव जुनेजा एंड वेलकम यू ऑल द पीपल्स इन माय चैनल देव स्पोकन क्लासेस. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, एज़ यू नो वेरी वेल, इट्स अ टाइम फॉर द सेशन नंबर 83 एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्दर चैप्टर ऑफ एवर. यस्टरडे आई टॉट यू एवर. आई स्टार्टेड द चैप्टर, द फर्स्ट पार्ट आई वॉज टीचिंग यू यस्टरडे एंड यू आई थिंक यू मे हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. आप शायद अच्छे समझे होंगे उसको एंड यू मे हैव इन्जॉयड द वीडियो. आपने उसको शायद इन्जॉय भी किया होगा. दोस्तों, आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं. उससे पहले कुछ अहम बातें. अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है. मैं आपका फिर स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का ऑप्शन देखिए नीचे आ रहा होगा और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्लीज़ याद से प्रेस कर दीजिएगा. और हम लोग अब तक 82 वीडियोस अब तक अपलोड कर चुके हैं. अगर वो वीडियोस आपने देखनी है, क्योंकि बिना देखे आपको आज की वीडियो समझ में नहीं आने वाली है, तो उन वीडियोस को प्लीज़ याद से देखिएगा ताकि आपको वीडियो समझ में. हमारे स्पोकन कोर्स जो लॉकडाउन चलते हमने शुरू किया था ताकि आप लोग अपने घर बैठे इन चीज़ों का लाभ उठा पाएँ, आप उसका लाभ उठा पाएँ, अपने स्पोकन को इम्प्रूव कर पाएँ, जो आज की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है. क्लियर है? और अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आती है तो एक अच्छा सा कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो हमारे को बहुत कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है अपनी अगली वीडियो को बनाने के लिए, ताकि आप लोग उसको देख करके अपने स्पोकन इंग्लिश को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाएँ. क्लियर है फ्रेंड्स? आइए, लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ टुडे. एज यू स्टडीड यस्टरडे, जैसा आपने कल पढ़ा था एवर, क्या कभी आपने ये काम किया है? हैव यू एवर, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म. क्या अगर किया है तो आई हैव थर्ड फॉर्म, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म. और कभी नहीं किया है तो उसके लिए आएगा नेवर, आई हैव नेवर एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म. जैसे कि मैंने पूछा क्या कभी आपने मैच खेला है, तो हैव यू एवर, अब खेलने को बोलते हैं प्ले, थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईडी प्लेड. तो हैव यू एवर प्लेड मैच, अगर आपने खेला है तो आई हैव प्लेड मैच, कभी नहीं खेला है आई हैव नेवर प्लेड मैच. मैंने पूछा क्या कभी आपने लूडो खेली है, मैं कैसे पूछूंगा? हैव यू एवर प्लेड लूडो, अगर खेली है तो आई हैव प्लेड लूडो, कभी नहीं खेली है आई हैव नेवर प्लेड लूडो. मैंने पूछा आपसे या कभी आपने डोसा खाया है, तो हैव यू एवर, अब खाने को बोलते हैं टेक, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन, यहाँ टेकन आएगी. तो हैव यू एवर टेकन डोसा, अगर मैंने खाया है तो आई हैव टेकन डोसा, और मैंने कभी नहीं खाया है तो आई हैव नेवर टेकन डोसा. मैंने पूछा आपसे क्या कभी आप गोरखपुर गए हैं, तो हैव यू एवर, अब जाने को बोलते हैं गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, यहाँ पे गॉन आएगी. सो हैव यू एवर गॉन टू गोरखपुर, अगर आप गए हैं तो आई हैव गॉन टू गोरखपुर, मैं कभी नहीं गया हूँ आई हैव नेवर गॉन टू गोरखपुर. मैंने पूछा आपसे या कभी आप मुंबई गए हैं, तो हैव यू एवर गॉन टू मुंबई, अगर जा चुके हैं तो आई हैव गॉन टू मुंबई, और कभी नहीं गए तो आई हैव नेवर गॉन टू मुंबई. मैंने पूछा आपसे या कभी आप गोवा गए हैं, या कभी आप गोवा घूमे हैं, अब घूमने को बोलते हैं विजिट, थर्ड फॉर्म ईडी विजिटेड हो जाएगा. तो हैव यू, अब मैंने पूछा कभी आप गोवा घूमे, तो मैं कैसे पूछूंगा? हैव यू एवर विजिटेड गोवा, अगर आप घूम चुके हैं तो आई हैव विजिटेड गोवा, कभी नहीं घूमे हैं आई हैव नेवर विजिटेड गोवा. क्लियर हो गया? तो ये फ्रेंड्स आपका हो गया आपका फर्स्ट पार्ट यू और आई का. अब आपसे हम बात करने वाले हैं ही और शी के ऊपर. एक्शंस जैसे कि मैंने कल लिखे थे, आज भी लिखे हुए हैं वो. गाने को बोलते हैं सिंग, सेकंड फॉर्म होती है सेंग, थर्ड फॉर्म होती है संग. सी ताजमहल, ताजमहल देखना, सेकंड फॉर्म होती है सॉ, थर्ड फॉर्म होती है सीन, देखने के लिए. प्ले गिटार, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, ईडी आ जाएगी. डांस, सेकंड फॉर्म डांस्ड, थर्ड फॉर्म डांस्ड. टेक पिज्जा, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन. क्लियर है? तो ये फाइव एक्शंस लिखे मैंने, इनके हम ही शी के ऊपर बात करने वाले हैं. जब फ्रेंड्स बात आती है ही और शी की, टाइम वर्ड कौन सा ही शी का आता है? हैस. जैसा कि आप जानते हैं, जब बात करते हैं ही और शी की, टाइम वर्ड आता है हैस, और एक्शन में थर्ड फॉर्म तो आती आती है. आई यू का टाइम वर्ड आता है हैव, और ही शी का टाइम वर्ड आता है हैज. आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, जैसे मैंने पूछा आपसे आपके भाई के बारे में टेक पिज्जा को लेकर, कि क्या कभी आपके भाई ने पिज्जा खाया है, तो मैं कैसे पूछूंगा? आपका भाई कौन है? ही हैज, आपका मतलब योर भाई, मतलब ब्रदर. तो हैज योर ब्रदर एवर टेकन पिज्जा, अब अगर वो खा चुका है तो आप क्या बोलेंगे? ही हैज टेकन पिज्जा, और कभी नहीं खाया है तो ही हैज नेवर टेकन पिज्जा, और कई बार खा चुका है तो ही हैज टेकन पिज्जा. मैंने कल आपको एक वर्ड दिया था मैनी टाइम्स, आपने शायद देखा होगा, यू मे हैव सीन दैट, कि मैं कई बार खा चुका, तो शी हैज टेकन, सॉरी ही हैज टेकन पिज्जा मैनी टाइम्स. क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका है डांस ऑन डीजे. मैंने पूछा आपकी सिस्टर के लिए क्या सिस्टर की आपने आपके सिस्टर ने कभी डीजे पे डांस किया, मैं कैसे पूछूंगा? हैज योर सिस्टर एवर डांस ऑन डीजे, अब अगर वो कर चुकी है आप आंसर क्या देंगे? यस शी हैज डांस्ड ऑन डीजे, और कभी नहीं किया है तो शी हैज नेवर डांस्ड ऑन डीजे. क्लियर है? नेक्स्ट आपका है प्ले गिटार. मैंने पूछा आपसे आपके भाई के लिए क्या आपके भाई ने कभी गिटार बजाया है, मैं कैसे पूछूंगा? हैज योर ब्रदर एवर प्लेड गिटार, अगर वो बजा चुका है तो ही हैज प्लेड गिटार, कभी नहीं बजाया है तो ही हैज नेवर प्लेड गिटार. मैंने पूछा आपसे आपके मदर के लिए कि क्या मदर, आपकी मदर ने कभी ताजमहल देखा है, मैं कैसे पूछूंगा? हैज योर मदर एवर सीन, अब देखने को बोलते हैं सी, सेकंड फॉर्म होती है सॉ, और थर्ड फॉर्म होती है सीन. तो हैज योर मदर एवर सीन ताजमहल, अगर देख चुकी हैं तो शी
शी हैज़ सीन ताजमहल और कभी नहीं देखा है तो शी हैज़ नेवर सीन ताजमहल. क्लियर है. मैंने पूछा आपसे कि क्या आपके भाई ने कभी गाया है, तो हैज़ योर ब्रदर एवर संग. अब गाने को बोलते हैं सिंग, सेकंड फॉर्म होती है सेंग, थर्ड फॉर्म होती है संग. यहाँ थर्ड फॉर्म आने वाली है. तो हैज़ योर ब्रदर एवर संग, अगर गा चुका है तो ही हैज़ संग, और उसने कभी नहीं गाया है तो ही हैज़ नेवर संग. क्लियर है. तो आई यू का डैमवर्ड आता है हैव, और ही शी का आता हैज़, और उसमें थर्ड फॉर्म आती है. और एवर मतलब कभी, या कभी आपने ये काम किया है. बस क्या जुड़ गया, पूरी बेसिक आ रही है, बस क्या जुड़ गया आपका एवर, और एवर के माध्यम से आपका बेसिक का चैप्टर रिविजन भी हो गया. क्योंकि ऐसा कोई चैप्टर स्पोकन इंग्लिश नहीं है जहां पर बेसिक आपकी ना है. मैंने आपसे स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में कहा था, अगर आपने बेसिक को पक्का कर लिया तो स्पोकन आपके लिए हलवा है, कुछ नहीं है. तो ये आपका चैप्टर, आपका एवर का फर्स्ट पार्ट हो गया. इसका सेकंड पार्ट जो मैं कल शुरू करने वाला हूं, कल की वीडियो में इसका सेकंड पार्ट जो बहुत बोला जाता है, आप जब उसको पढ़ेंगे तो खुद आपको रियलाइज होगा, एहसास होगा कि वो चैप्टर भी आपकी जिंदगी में हिंदी में बहुत ज्यादा बोला जाता है, जो आपको आपकी इंग्लिश स्पोकन में काफी हेल्प करेगा. क्लियर है. तो कल वी विल मीट टुमारो विद द सेकंड पार्ट ऑफ एवर. Till then, do practice of this chapter and please make a story and send me on WhatsApp number that is mentioned on the screen 7800598600. So please make a story in which please try to use this chapter ever and try to use all the chapters which I taught you in the previous videos as compulsion, possession, relevant conversation, wish, let, advice, capacity, and a lot of basic chapters were there. So please use all that chapters in the story. Please try to use, and please send me right on the paper as a story, and please send me on the WhatsApp number by which I will check that story, and if you have done any mistake, so I will tell you that this mistake is not good and you have to improve it. So please send the story on my WhatsApp number by which I can tell you your mistake and I can improve you in spoken English. Till then, do practice and make a story and send me on WhatsApp number, and take care of yourself very carefully and your family also. It is enough for today. Meet tomorrow at the same timing in the evening at sharp 9 o'clock. Till then, thank you so much from my side. Good night. Have a nice time. Nice to meet you. Namaskar. Jai Hind. Thank you.